अपने क्वेश्चन की तरफ, सवाल की तरफ, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो मेजर पॉइंट है वो जानवरों में थनों का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, जो जी कि जी बहुत बड़ी एक डेयरी फार्मों की बीमारी समझ लें या प्रॉब्लम समझ लें कि इसकी वजह से डेयरी फार्मों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे तो उसके बारे हम आपसे आज सवाल करते हैं। इसके बारे में हमें एक तो आप अंग्रेजी में जो मेडिसिन देनी है उसके बारे में भी आप हमारे साथ डिस्कस करें, और एक जो देसी तरीका है वो भी हमें, क्योंकि गिल्टी भी बनती है, नाड़ू बन जाता है, अनार जो कहते हैं जिसे, और मूसड़ी के बारे में, ये जो भी सोजल, हवाने में सोज का आना, ठीक है, इसके बारे में हमें एक अच्छी डिटेल में गा करें, और जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं प्लीज वो आपके पास लिख रहे हैं ताकि बाद में बताना मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आपको बताते हैं, तो डॉक्टर थन के बारे में आपके पास जो सी अच्छी मालूमात है, जितनी भी मालूमात है प्लीज वो हमें आगाह करें ताकि हमारे दोस्तों को उससे कोई फायदा हो सके, और दोनों देसी तरीका भी बताएं और अंग्रेजी जो भी मेडिसिन चलती है उसके बारे में आगाह करें। जी डॉक्टर साहब, अच्छा आरिफ साहब, आपने बात की है कि जो डेयरी फार्मिंग, जो आप माशाल्लाह अरसा तकरीबन 8-9 साल से जो है वो डेयरी फार्मिंग से मुंसलिक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देख भी रहा हूँ आप बहुत मेहनती आदमी भी हैं, चाहे आप जो बैरून मुल्क में हों या पाकिस्तान में हों, तो आप चीज़ों को बहुत जो है ना वो कीन और उसके अलावा बारीक बीनी से नोट करते हैं। तो आपने जो है ना ये बहुत अच्छा जो है ना वो वैलिड पॉइंट जो है ना उठाया है कि जानवरों में जो डेयरी फार्मिंग खास तौर पे, अब ये यहाँ पे एक सवाल और भी पैदा होता है कि जो मेरे सारे फार्मर्स हजरात जो भाई हैं वो जो सुन रहे हैं मेरी बात, डेयरी फार्मिंग से मुराद ये नहीं है, कतन भी ये ना समझिएगा कि जो है ना वो कि डेयरी फार्मिंग जो है वो कि आपने 100 जानवर रख लिए हैं तो आपका डेयरी फार्म बन गया है। डेयरी फार्मिंग से काइंडली यही मुराद लीजिएगा, जिन भाइयों के पास 5 जानवर भी हैं तो वो अपने डेरे को, अपने जो आपका जो जो जहाँ पे भी आप जानवर बिल्कुल रखते हैं वो उसको फार्म ही एज ए कंसिडर करें यहाँ पे, ठीक बिल्कुल है बिल्कुल ठीक। जी। तो वो काइंडली जो है वो फार्म इधर आप अपना जी जिसके जी पास एक भी जी जानवर जिसके है वो भी फार्मर जी है, जी वो भी वो फार्मर है भी और उसका वो फार्म है उसका जो है ना वो उसको है एज ए हमने फार्म जो है ना वो, चाहे उसको इंग्लिश में तो बड़ी जो टफ प्रोनाउंसिएशन है मेरे भाई, कुछ जो टेक्निकल लोग हैं वो तो बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझते भी हैं, मेरे कोलीग्स या डॉक्टर्स जो भी मुझे सुन रहे होंगे या सुनेंगे। तो बाकी जो फार्मर्स हैं मैं उनके लिए ट्राई करूंगा कि जो है ना आसान से आसान जुबान में जो है ना आपको बता दूं कि जो आपने क्वेश्चन जो है ना वो रेज किया है या आपने जो क्वेश्चन या सवाल आपने उठाया है, तो उसमें जो आपने एक छोटी सी बात को जो है ना वो दरिया में, दरिया को कोजे में बंद करने वाली बात जो है ना आपने टॉपिक छेड़ी है, तो उसी सिलसिले में मैं को चाहूँगा कि थोड़ी सी जो है ना वो ब्रीफ या डिटेल भी थोड़ी सी आपसे डिस्कस करूँ, और इसके अलावा यार क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, मेरे पास भी टाइम शॉर्ट, हर बंदे के पास टाइम शॉर्ट है, ज़्यादा अगर डिस्कशन चले तो बंदे उकता भी जाते हैं, बोर होना शुरू हो जाते हैं, तो शॉर्ट और दिलचस्प जो है ना वो जवाब आपको दूंगा हाँ आपने कहा, हाँ जी जी। तो सर सबसे पहले जो है ना वो जो एक आपने इशू उठाया कि डेयरी फार्म पे जो सबसे जो मेन जो प्रॉब्लम है वो मस्टाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन या थनों या हवानों का, हवाने वगैरह का सूजना, हो क्योंकि जाना सोज। हाँ जी बिल्कुल, आप खुद देखें कि आजकल का जिस तरह का मॉडर्न जो दौर चल रहा है या जिस तरह का जो इस आजकल का ज़माना चल रहा है, वैसे भी हर दौर में ही जानवर को उसकी वैल्यू होती है, एक जो है ना वो आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है जानवर के साथ, आप उसको देख रहे होते हैं, आपको उससे प्यार होता है, वलहाना जो भी जानवर आपने रखा होता है। तो दूसरे नंबर पे हम लोग अगर इसको देखें तो हमारे ज़मींदाराना निज़ाम में जो है ना वो ये बात सबसे बड़ी है कि उनको हम लोग जो है रख रहे हैं अपनी रोटी रोजी के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स को मीट करने के लिए, या दूध जो है वो उसको पीने के लिए, वो हमारी फूड सिक्योरिटी या इसको कहते हैं कि वो हमारी खुराक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं तमहीद इसलिए बांध रहा थोड़ी हूँ सी आप, सॉरी आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही, आप हेडफोन का इस्तेमाल कर प्लीज, तो आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, जी। आवाज का तो प्रॉब्लम आपने बन थन रहा है। हवाने की बात की है तो मैं उसके रिलेटेड ही जो है ना आपसे बात कर रहा हूँ कि जी थन हवाने जी का जो प्रॉब्लम आता है या मस्टाइटिस जिसको कहते हैं वो आता है, तो वो मेजर जो है ना वो लाइफ स्टॉक का मेजर प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम आता है, ये बहुत बड़ा मसला है ये आजकल, अगर हम इसको
ऐसी नज़र से देखें, बादी नज़र में, तो हम लोग उसी को हमारे जो कंप्लेंट्स या हमारे पास जो फार्मर्स लेके आते हैं कि हमारे धान खराब हो गए हैं, हवाना खराब हो गया है, हम लोग तो उस केस को देखते हैं कि जहाँ पे दूध में चिड़ियाँ वगैरह या धान सूज गया है या उसमें नाड़ वगैरह बन गई है या फिर जो उसमें जो है वो मतलब ये कि मुँह सड़ी या फिर जो है ना वो धान का मतलब खराब होना, ठीक है ना, वो मेन प्रॉब्लम्स में से एक आता है। लेकिन यहाँ पे मैं जो एक बात जो काबिले कदर या जो गौर वाली बात ये है कि आप अगर आपके जानवर का दूध जो है ना वो उसका जायका चेंज हो गया या कलर या इस तरह की मिकदार कम हो गई है तो वो आप उसको भी इग्नोर ना किया करें काइंडली। वो भी मस्टाइटस या थन हवाने वाली एक किस्म ही है, लेकिन चूंकि उनके क्लिनिकल साइंस या अगर वो हमारे सामने खुल के उसकी अलामतें सामने नहीं आती तो इस वजह से हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपने अभी जो मेन टॉपिक है वो ये है कि थन हवाने के मसाइल क्यों आते हैं, ठीक है ना, या क्या आते हैं। तो इस वजह से मैं ये बड़ा एक ब्रॉड या इसको आप कह लें कि बड़ा जो है ना वो डिटेल टॉपिक है, तो काइंडली आप उस पे इसमें जो है ना वो मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि जैसे कि मतलब ये अगर थन हवाने का मसला बन गया, ठीक है ना, अगर क्योंकि अगर थन हवाने का जो प्रॉब्लम बनता है ये एक बड़ा ब्रॉड प्रॉब्लम, बड़ा मेन प्रॉब्लम है और इसमें ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया या उसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि थन हवाने के ख़राब होने का मौजब बनते हैं, जरासीम जिनको आप कहते हैं, माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। तो उसमें जो है ना सबसे पहले जो है ना वो आप ये एक मैं एक कॉमन सी मिसाल दूंगा कि एक फार्मर है वो कहता है जी मेरा जानवर जो है ना डॉक्टर साहब पर या जिसको आप कहते हैं कि दूध गदला आना शुरू हो गया है, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले जो है ना वो ये आप देखा करें कि जब भी आप मिल्किंग वगैरह किया करें या दूध दोया करें तो सबसे पहले जो है ना वो आप जो है ना उसका थन हवाना जो है ना साफ किया करें, साफ पानी से आप अपने हाथ भी धोएं और इसके अलावा जानवर के जो है ना वो थन हवाना भी इसको साफ करें। और ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो थन खराब नहीं हुए, अगर खराब हो गए हैं मैं उसकी उस टॉपिक की ही तरफ आऊंगा, लेकिन मैं ज्यादातर यहाँ पे ये इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि जब आपके थन हवाना खराब होने से बचाया जाए या मस्टाइटस डिवेलप ही ना हो इस वजह से। मस्टाइटस तो एक छोटी सी बात है, आप लोग सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि मैं आपको जवाब दूँ कि जी कौन सा टीका लगाना चाहिए या कौन सा देसी नुस्खा देना चाहिए, वो तो एक बिल्कुल छोटी सी बात है कि वो बात करके जो है ना वो मैं कह देता हूँ जी कि खत्म हो गई ये बात नहीं, या आप आपने। जी तफसीर जी में बताएं ना। अच्छा, तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले हमेशा ये फार्म लेवल पे जो है ना वो हम लोग ऐसे करें कि ना उनके थन हवाने को धो दें। यहाँ पे एक ये होता है कि जानवर जो है ना वो मैं वैसे मेरे फील्ड एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ पे जानवर जो भी किसी का जानवर सूता है या जो कोई बच्चा दे देता है तो वो ये सबसे पहले ये करता है कि उसका पिछला हिस्सा यानी जो उसका जो है ना रिप्रोडक्टिव ट्रैक या पेशाब वाली जगह सर जो भी है तो वो वहाँ पे ना उसकी टेल या दुम के साथ वो गदला रहने देता है, वो उसको धोता नहीं है, ठीक है ना, उसकी वजह से असेंडिंग इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस आता है। यानी मेन प्रॉब्लम वहाँ से ये शुरू स्टार्ट हो जाती है कि अगर आपके जानवर का जो यूट्रस में इन्फेक्शन आ गया है तो इसका मतलब है कि आपके थन जो है ना वो ख़राब होने के चांस उसके 100% जो है ना वाजे हो गए हैं। ठीक हो गया जी, तो ये इसमें से काबिले कदर बात है कि जब भी कोई जानवर आपका सूता है उसको पिछले हिस्से का कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि उसको आप सारा नहला दें इस तरह पे, वो जानवर इस तरह होना भी नहीं चाहिए, तो जो है ना वो आप उसका पिछला हिस्सा जो है ना अच्छे तरीके से वॉश कर दें ताकि जो है ना वो उसको इन्फेक्शन ना हो। अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम जो हमारे फील्ड में मस्टाइटस या थनों का इशू होता है वो स्टेफलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया होता है वो उसकी वजह से होता है, 70% तक मस्टाइटस जो है ना उसकी वजह से होती है। और स्टेफ बैक्टीरिया जो है वो ये आप कह सकते हैं कि इंसान की स्किन के ऊपर जो हमारा नमकीन नमकीन जायका आता है ना पसीने का, ये स्टेफलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया की ही वजह से नमकीन जायका आता है स्किन का। और आप इसी बगैर हाथ धोए अगर आप जानवर को इस तरह जो है ना वो उसका दूध निकाल लेंगे या तो उस वक्त जो जानवर एट रिस्क हो जाएगा कि उसमें जो है ना थाना वाना खराब हो जाएगा। अगर खराब हो गया, हाँ अगर खराब हो गया तो
तो जो है ना वो आप उसमें से अगर वो इनिशियल स्टेजेस पे है तो उसको जो है ना वो या इब्तदाई स्टेजेस पे है, एक हफ्ता हो गया उसको सूए हुए, तो आप मैं ये कह दूंगा कि मार्केट्स में डिफरेंट जो है ना ड्रग्स आ रही हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो है ना वो यहाँ पे, क्योंकि जो है ना वो टीकों के या ब्रांड, या हम लोग इसको जो है ना वो ये नहीं कह सकते कि फलां कंपनी का आप टीका लगा लें, कोई भी जो है ना वो अच्छी कंपनी, रिप्यूटेड कंपनी, उसका अमॉक्सिसिलीन जो है ना आप इंजेक्शन जो है ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सही हो गया, अमॉक्सिसिलीन के नाम से इंजेक्शंस काफी ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई भी इंजेक्शन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये, मैंने आपको कंडीशन बताई है कि आपका जानवर सो गया, एक हफ्ता हो गया उसको जो है ना वो हम आने का सूझ गया, या उसको कोई मसला बन गया, या उसमें दूध में फुटकियां वगैरह आ रही हैं, तो आप अमॉक्सिसिलीन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अंग्रेजी आपको तरीकाकार बता रहा हूँ, उसके अलावा जो है वो। सॉरी, मैं आपकी इधर बात को थोड़ा रोकता हूँ। जी अगर देखें, हमाना सूज जाता है, ठीक है, जी वो तो आप अंग्रेजी में आपने इंजेक्शन का नाम बता दिया, मेडिसिन का। जी 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 असल में मेजर जो थन में आता है, मुंह सड़ी के बारे में, नार जो बनती है, ठीक है ना, उसके बारे में ज्यादातर देखें, अगर जानवर एक, हम 3 लाख का लेते हैं ना, अगर एक थन भी जाया हो जाए ना, तो वो जानवर की रकम टूट जाती है, ठीक है। अगर 3 लाख है तो वो 1.5 का भी सेल करना मुश्किल होता है। जाहिर है जी, इसलिए हमें इसके बारे में जरा तफसील से, थानों को बचाना कैसे है और कौन सी इसकी दवाई अच्छी अभी है इस वक्त मार्केट में, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो जितना मुझे नॉलेज है कि अभी तक थान का इलाज पूरी दुनिया में, जो जानवर को थानों का इलाज है पूरी दुनिया में, 100% कहीं भी नहीं है। ऑलमोस्ट अगर 100 जानवर का थान खराब होता है मिसाल के तौर पे, तो उसमें से 95 जो है उनका थान नहीं सही होगा, 5 का कामयाब हो रहा है, जो नाल से मैंने मेरे इलम में जो जितना, ठीक है जी। इसकी स्टार्टिंग, इसके जब स्टार्ट, जब थान खराब स्टार्ट होता ही है, उस वक्त इसको कैसे रोकना चाहिए? अभी मतलब पहली चवाई जब होती है, आपको पता चलता है कि इसमें कुछ बैक्टीरिया आ गया या इसमें कुछ मसला बन रहा है, उस वक्त इस जानवर को कैसे, इसको रोक सकते हैं, क्या देना चाहिए, ठीक है, वो उसके बारे में हम क्या करें? जी देखिए आरिफ साहब, आपके ना आपने बड़ा अच्छा सवाल जो है ना वो अभी उठाया है कि उसको कैसे बचाया भी जाए, और ये आपने बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही बात की है, मेरे दिल की बात की है कि जो है ना वो आप देखते हैं कि एक थन जो है ना वो खराब होना शुरू हो गया है, तो जो है ना मस्टाइटिस जो जो जिसको आप कह रहे हैं कि वो कंट्रोल नहीं होती 95%, ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ये बात की है कि इसको बचाया जाए जी, कि बचाया कैसे जा सकता है, कि थन हवाने को मसले को, कि आया ही मसला ये आए ही ना, उसको ये मसला रोका कैसे जा सकता है, सबसे जो प्रॉब्लम ये है उसके लिए जो है वो मैं सबसे पहले जो है ना वो ये बात करूंगा कि अगर आपका जानवर फ्रेश या ताजा सूख गया है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि जहाँ पे आप लोग ने सुबह शाम जानवर का दूध धोना होता है, तो मार्केट में जो है ना वो लिनोलिन और आयोडीन वगैरह के जो है ना मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अवेलेबल हैं मार्केट में, कि जहाँ पे जिनको आम तौर पे हम टीट डिपिंग कहते हैं, जिनको के थन को भगो देना उस सोल्यूशन में, ठीक हो गया। अब ये सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर साहब वहाँ से भी मस्टाइटस कंट्रोल नहीं होती, लेकिन मैं ये आपको बात बता दूं कि टीट डिपिंग का जो प्रॉब्लम है वो अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसकी डाइल्यूशन करके या पतला करके, तो वो आपको 95% तक जो है ना वो मस्टाइटस सिक्योर देता है। 5% तो आरफ साहब जहाँ पे आप बैठे हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनसे भी मस्टाइटस कंट्रोल नहीं होती। हाँ, ये तो कहीं भी नहीं है। लेकिन मैंने अभी जो डॉक्टर साहब, मैंने जो अपने डेयरी फार्म में अभी सबसे ज्यादा नुकसान उठाया ना, मेरे जी मैंने जो 12 साल हो गया मुझे, सबसे ज्यादा मेरा जो नुकसान हुआ है वो थान की प्रॉब्लम से हुआ जानवरों। लेकिन मैं वो आप बाद में बताऊंगा कि मैंने इसको किस तरह रोका, मैं किस तरह इससे बचा हूँ, ठीक है ना। मैं अभी बहुत सेफ हूँ, क्योंकि 7-8 साल से मेरे फार्म में ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। और मैंने हर साल जी जो स्टार्टिंग के 5 साल से, मैंने बहुत ज्यादा ये नुकसान, हर आपके बड़े साल एलीट पांच छह एनिमल्स और जानवर, अच्छे जानवर जो है ना पांच वो इन छह मसलों का साल शिकार हुए हैं। पांच छह जानवर जो है मैंने हर साल जाया किए थान की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल से आपसे इसलिए मशवरा बात आज आपके साथ आए हैं कि आप हमें, अच्छी जो दोस्त हमारे जो अभी सुन रहे हैं, आप अच्छी अच्छी हमें मालूमात दें,
तो अभी आपने हवाने के बारे में, सोज के बारे में, जो सोजस है उसके बारे में अभी डिस्कस किया है, जो अभी थनों के अंदर नार और मूसड़ी का अटैक होता है वो किस वजह से, ग्वाले की वजह से होता है या कोई क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें आगाह करें, तो देखिए, उनके मैं आपकी बात बिल्कुल लिए सुन। मेडिसिन कौन सी मेडिसिन अच्छी है ये भी उसके जरा बता दें। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने, एक तो सबसे पहले जो आपकी, जो मैंने ऑब्जर्व की है ना चीज़ें फार्म की, ठीक है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से सबसे जो मुझे जो उसमें कंसिडरेबल या काबिले गौर बात ये लगी है कि आपकी क्लिनलीनेस यानी जनरल जो सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा आपने इम्प्रूव किया है इसको, ठीक है ना। अब सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि जो है ना वो कि आप इस चीजों से बच कैसे सकते हैं, मस्टाइटस से या हवाने या मुंह सड़ी से आप बात कर रहे हैं। देखें, मुंह सड़ी या हवाना मस्टाइटस एक बहुत बड़ी टर्म है, मैंने आपको बता रहा हूँ कि 100, 100 और उसके अलावा कई 100 वजूहात होती हैं कि थान खराब होने की वजूहात। उनमें से मैंने आपको एक बार समराइज या जो है ना वो ये आपको नतीजा ये निकाल के दिया है कि सबसे पहले आप जनरल क्लिनलीनेस रखें, आप अपने जानवरों को सफा, आपके उनके थान हवाने या जहाँ पे उनको आप बांधते हैं वहाँ जो है ना वहाँ का माहौल कैसा, वहाँ की ज़मीन या नीचे कैसी है, साफ सुथरी है, वहाँ पे आप फ्लशिंग उसकी या पानी वगैरह वहाँ सही बहाते हैं, ठीक है ना, आपकी चुआई का तरीकाकार क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती है कि जो है ना वो आपका मस्टाइटस कितना किस लेवल पे है। ये सारी चीज़ें अगर आप कंट्रोल करते हैं, इसके साथ साथ आप जानवरों को जो हमारे रवायती तरीकाकार में, जैसे कोई आप ये ऊपर जो कमेंट्स में बात कर रहे हैं लोग के जो है तेल सरसों का, बेर मिर्च, काली मिर्च, काली जीरी, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप दे सकते हैं। देसी तरीकाकार बहुत इफेक्टिव है, बहुत पुर असर है, ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा जान है इसमें। लेकिन ये है कि अगर आपका मस्टाइटस का इशू एग्जैजुरेट या बढ़ गया है, ठीक है ना, तो वो अंग्रेजी तरीकाकार से भी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से अर्जेंट हल होता है। देसी तरीकाकार इस्तेमाल करते जाएं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म या ज्यादा देर के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तब जाके फाका होता मैं एक बात करना चाहता हूँ इधर, कि है। जी जी मेरे अभी तक 12 साल में तकरीबन, मैंने अभी कोंड के दिन में बिठा रहा था कि जी 15 20 से 25 जानवर थान का मसले में आए हैं, ठीक है। जानवरों का मेरा मसला आया है, ठीक है, जिनमें से तकरीबन 5 या 4 जानवर के थान मुकम्मल तौर पर सही है, बाकी सारे जो है ना वो डेड हो गया थान, ठीक है। लेकिन जिनको मैंने 24 आवर के अंदर अंदर थान को पकड़ लिया है वो थान जो है वो ठीक हो गया है, ठीक है। 24 आवर के अंदर मुझे पता चल गया, अगर पहली चुआई पे नहीं दूसरी चुआई पता पता चला है तो वो ठीक हो गया है। मैं आपको ना जो उसके इधर इस बाद बात जो का ना मैंने, इधर इस बात का लेकिन जवाब जो देना उसके बाद चाहूंगा, में प्रोसीजर चला ना वो थान बिल्कुल नहीं ठीक हुआ, उसकी कितनी लिमिट होनी चाहिए। मैं आपको इधर आप सॉरी, मैं ना बड़ा माजरत खा हूँ आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं इधर आपका ना जवाब देना बड़ा जरूरी है। आपने कहा जी जितनी जल्दी मेरा थन हवाने का मसला आया, मैंने उसका जल्दी से जल्दी जो है ना वो मुझे पता चला, ऑब्जर्व किया मैंने उसका जो है ना वो इलाज मुआलजा या जैसे भी उसको टैकल किया या जैसे भी उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बैक्टीरिया या छोटे या माइक्रोस्कोप या खुर्दबीन से जो छोटे छोटे जानदार नजर आ रहे होते हैं, वो हर 20 मिनट के बाद अपनी पॉपुलेशन डबल कर देते हैं। जैसे दूध हमारी खुराक इंसानों की, हमारे बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है, ऐसे ही उसमें जो है ना वो छोटे जरासीम भी हर 20 मिनट के बाद 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160, 160 से 320। अब आप खुद अंदाजा करें कि अगर आप इसको डिले करते जाएं तो वो उनकी करोड़ों में जो है ना वो पॉपुलेशन उन बैक्टीरिया की, उन जरासीमों की चली जाएगी। और अगर आप उनको टाइम से जो है ना वो मैनेज कर लें तो फिर उनकी ग्रोथ को रोका जा सकता है और थाना वाने का जल्दी मसला हल हो जाता है। जी, क्योंकि मोस्टली जो मेरे पास अभी तक यही है कि 24 आवर के बाद मेरे पास जो मेरा अपना नॉलेज है, मेरे जानवर खराब हुए हैं जिनको मैंने बाद में ट्रीटमेंट किया, वो जानवर का थान मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है। वह आधा हो गया या उसमें नाड़ का प्रॉब्लम आ गया या पानी आ गया या वो मतलब खराब ही हो गया, ठीक ऐसे है। 100% वो बैक नहीं आया,
लेकिन उससे पहले जो पहली चुवाई या दूसरी चुवाई तक उसको मुझे पता चल गया, अगर मेरे वर्कर को या मुझे पता उसने बता दिया है, तो उसके बाद हमने अगर उसका टाइम से काम शुरू किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। इसकी लिमिट जो है वो 24 आवर है मेरे, आपको देखिए, बेहतर मैंने समझते आपको हैं मेरे बताया से, है, तो उसके मैंने बाद आपको अगर बताया मेरे है, ख्याल में हम 95% है, मेरे को थाने को मुश्किल है वो सही हो, ज्यादा चांस के खराब होने के हैं। इसलिए आप जब भी कोई थानों में कोई प्रॉब्लम आए, सब दोस्तों से मैं ये करूँ, तो वो पहले चुवाई करते उसी वक्त उसके पीछे हो जाएं, जी ये नहीं कि बिल्कुल है, वेट करें। बिल्कुल वेट करेंगे, बिल्कुल अगर आप वेट करेंगे तो वो बिल्कुल आपको ऐसे ही। लास्ट में ले जाएगा, वो आपका वो तो, क्योंकि इसका अभी तक मैंने इधर ही मैंने देखा है, फार्मों के विजिट किए हैं, क्योंकि इधर ज्यादा गायें हैं, गायों का इतना प्रॉब्लम नहीं, ये भैंस में ज्यादा प्रॉब्लम आता है थान का जो है। तो इसको असल में अब जब भी आपको थोड़ा सा भी शक हो, थोड़ा सा भी शक हो, तो आप उसी वक्त इसके पीछे हो जाए अगर आपने उसको बचाना है। डॉक्टर साहब दूसरा आप ऐसा करें कि हमें मेडिसिन का नाम बता दें कि कौन सी मेडिसिन इस वक्त अच्छी चल रही है, ये इस्तेमाल कराएं, फिर उसके बाद देसी तरीका भी बता दें प्लीज। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर तो थान हवाना उस जानवर का ताज़ा सू है, ताज़ा सू गया वो जानवर, उसका थान हवाना ख़राब हो गया है, तो आप अमॉक्सिसिलीन, कोई भी मार्केट में अवेलेबल है सारी मेडिसिन, ठीक है ना, अमॉक्सी 150 LA के नाम से, TRIXL के नाम से, बड़े बड़े अच्छे ब्रांड आइटम्स, और इसके अलावा इंटरनेशनल मेडिसिन जो है ना वो अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके जानवर के जिस्म के वजन के हिसाब से, ठीक है ना, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें रफली यही आता है कि अगर कोई पूरी सी जो है ना वो छोटी या एपेलन जो है ना वो जानवर सोया हुआ, तो उसको अमाक्सी की 25 to 30 ml जो है ना वो 24 घंटे के लिए जो है ना वो ये लगा देते हैं, 25 से 30 ml जो है ना अमाक्सी अगर या आपको अगर हमें पता लग गया कि जानवर के थान में नाड़ बन रही है, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन अच्छी है? देखें आरिफ साहब, जो नाड़ बन रही है ना, नाड़ में ये है कि अगर आप जो है ना वो एथनो वेटनरी मेडिसिन, जिसको आप कहते हैं कि देसी नुस्खा जात लगाएंगे, साथ में आजकल एक मार्केट में ऐसी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं कि जो है ना वो आप वो जो थनों में ट्यूबें या थनों में इंट्रा मेमरी ट्यूब्स जो है ना अवेलेबल हैं, जो आप डालेंगे उसके अंदर, तो वो जो है ना वो उसको नाड़ को भी जो है ना वो ठीक कर लेती है। शर्त ये है उसमें कि आपका जो है ना किस लेवल का डैमेज हो चुका है, वो आप वो जो है ना उस लेवल ऑफ डैमेज को आप देखें कि वो किस हद तक थान खराब हो चुका है। अगर उसका उस थोड़ा सा रिकवर की पोजीशन में या ठीक होने की पोजीशन में है, तभी जो है ना वो डॉक्टर से कंसल्ट करके या किसी अच्छे प्रोफेशनल बंदे से आप कंसल्ट करके उसको जो है ना वो अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको नाड़ को अगर आप देखते हैं, तो नाड़ के लिए सबसे बेस्ट जो है ना वो मेडिसिन या जो देसी नुस्खा जात जो है ना वो आप इस्तेमाल करवाते हैं, तो उसमें कैटाइन या जो है ना वो आप ये कह रहे हैं कि ऐसी चीजें जो है ना वो के जैसे ये विटामिन सी वाली चीजें जो है ना वो खटियां या लीमू वगैरह या ठीकरी नौशादर या इस तरह की सोडियम जिसमें कंटेंट ज्यादा हो, सोडियम क्लोराइड, शीशा नमक, ठीक है ना, इस तरह की चीजें जो है ना वो आप देने से ना मुसलसल कुआर गंदर वगैरह, तो ये देने से जो है ना इसका आपका प्रॉब्लम जो है ना रिकवर हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि आप पहले किसी प्रोफेशनल बंदे से अच्छे तरीके से कंसल्ट करें इस बात को कि आपका किस लेवल तक जो है ना वो डैमेज हो चुका है। डॉक्टर साहब मुंह सड़ी का डिफरेंट इलाज है कि सेम यही मेडिसिन चलानी चाहिए उसके देखें, बारे में, जो मुंह सड़ी मुंह जाऊंगा थान सड़ी नीचे एक से जी सख्त जी हो जाता है? मुंह सड़ी का एक ना मैं आपको एक बताना चाहूंगा थोड़ा सा ना डिटेल थोड़ी सी कि मुंह सड़ी क्यों जो है ना वो इस तरह डेवलप होती है। मुंह सड़ी में आप देखें गायें वगैरह जिन जो लोग रखते हैं ना इंटरनेशनल ये क्रॉस वगैरह, जो फ्रीजियन या जर्सी या जो साहिवाल हमारे लोकल जो जानवर है अवेलेबल है, अब गाय और भैंस के थनों में अल्लाह ताला ने थोड़ा सा फर्क रखा है। वो ये रखा है कि अगर आप गाय वगैरह जो है ना वो दूध दोहते हैं, तो उसका जो एट द एंड जो है ना हवाने के जो सोम जो जिसको कहते हैं कि आगे जो थन के आगे जो सोम होता है, उसमें कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने वाल्व बनाए होते हैं। वाल्व जैसे ये मोटर का वाल्व होता है ना कि पानी जो है ना वो ऊपर ही जाने देता है, वापस नहीं लेके आता, ऐसे ही अल्लाह ताला ने इनके अंदर भी वाल्व रखे होते हैं, टीट स्फिंक्टर जिनको बोल देते हैं, वाल्व वगैरह। वो ऐसे ही होता है कि जानवर जब जो है ना वो उसको तैयार किया जाता है, उसको जो है ना वो उस जो दूध लेने के लिए या दूध उसका निकालने के लिए उसके नीचे बैठा जाता है, तो वो वाल के अंदर जो है ना वो आ जाता है। जब आप उसको प्रेस करते हैं या दबाते हैं, तो वाल से वो जो है ना वो नीचे दूध आ जाता है। अब ये जो है ना स्फिंक्टर ये जो है ना इसके इर्द गिर्द जो है ना मांस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अगर थन में कोई प्रॉब्लम हो ना, तो वो नीचे करके उसके इर्द गिर्द जो है ना वो मांस या उसको फाइब्रोसिस इंग्लिश में कह देते हैं, वो थोड़ा सा ना इकट्ठा
दौरा शुरू हो जाता है। अब गाय में जो है ना, क्योंकि स्फिंक्टर कुदरती तौर पे या उसका वाल्व जो कुदरती तौर पे वो उसको कह लें कि वो नर्म होता है भैंस की निस्बत, अब गाय में यही वजह है कि जो है ना वो गाय अगर किसी बंदे ने रखी हुई हो तो उसका थान हवाने का जो या नाड़ का जो इशू होता है। जी, अच्छा, ये मुंह सड़े के बारे में हमें मेडिसिन का थोड़ा बता देंगे, डिफरेंट मेडिसिन है कि सेम मेडिसिन है, देसी और घरेलू दो तरीका बता दें प्लीज, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, कौन सी मुंह सड़ी मेडिसिन के देनी लिए, चाहिए ये मुंह? मुंह सड़ी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट्स में फाइब्रोसिस को रिमूव करने के लिए जो है ना, वो आप सेम उसी पैटर्न पे जो जब आपको जानवर के थाना वाने में नाड़ वगैरह बनी हुई हो उसको देसी नुस्खा जात से भी आप टैकल कर लेते हैं। उसके अलावा जो मुंह सड़ी का है उसमें बुनियादी तौर पे सबसे जो अहम बात ये होती है कि अगर आपकी मुंह सड़ी जानवर को आपको फील हुआ है कि इन्फ्लेमेशन या उधर सोज बन गई है, तो आप उसकी अमाक्सी वगैरह या कोई भी आपने इंजेक्शन वगैरह लगा के तो उसको जो है ना उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, उसको थोड़ा सा रेस्ट या उसको आराम दे दें, एंटीबायोटिक्स और ये क्या उसे कहते हैं एंटी हिस्टामिनिक वगैरह या और पेन किलर लगा के उसको छोड़ दें। अभी होता ज्यादातर ये है कि जानवर को ज्यादा तंग किया जाता है, अब जहां पे ज्यादा जो है ना पुश या उस स्थान को ज्यादा दबाया जाएगा तो वहां उसकी इतनी ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाएगी, वो मुंह सड़ी ठीक होने की बजाय जो है ना पूरे का पूरा थान सूज जाएगा। कोशिश ये अगर किया कोई कर, दूध देने वाला था, अगर कोई जानवर दूध देता है तो वो तो फिर चुवाई तो करनी पड़ेगी ना, जी अगर जी उसको बिल्कुल दूध रहने देंगे वो फिर भी काम करेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। आप मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको एंटीबायोटिक्स जब लगाएंगे साथ में तो जो आपका या इंट्रा मेमरी ट्यूब्स जो आजकल थानों में ट्यूब्स अवेलेबल हैं उसके थान या वो गिल्टी वगैरह जलाने के लिए, और इसके अलावा जो है वो क्या उसे कहते हैं मार्केट्स में देसी नुस्खा जात वाली कंपनियां भी जो है ना वो अवेलेबल हैं कि वो सारी जो है ना वो अवेलेबल हैं और इसी सिलसिले के लिए वो काम करती हैं, उसमें मुख्तलिफ मेडिसन्स हैं। क्योंकि इस अच्छा मैं ये नहीं समझता कि जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो चलें फार्मर हजरात जो है ना उनके लिए अवेयरनेस तो होनी चाहिए सारी, लेकिन ये यहाँ पे स्पेसिफाई करना किसी मेडिसिन का या किसी कंपनी का नेम तो जो है ना वो इस तरह जो है ना वो मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है, क्योंकि लोग इसको मिसयूज या इसको गलत जो है ना तरीका का अगर इस्तेमाल होगा तो वो भी हमारे लिए एक ना मनफी तासुर जाएगा उसका। ज्यादातर हमारे यही करते हैं कि वो आप ही खुद ही कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है खुद ही वो, जी तो खुद कोई भी काम करेंगे, देखें डॉक्टर साहब एक पढ़ लिख के आते हैं कोई भी है तो, या तजर्बे के बगैर आप काम करेंगे तो वो आप नुकसान ही उठाएंगे। डॉक्टर साहब एक जो एक और इसमें हवाने में मसला आता है, जी हवाने में जो सबसे बड़ा मसला भी वो उसकी वजह से भी आपका जानवर एक समझे के बिल्कुल डेड हो जाता है, जिसे हम मलिचंद्री का अटैक बोलते हैं, ठीक है, हवाना सूज जाना, मलिचंद्री का अटैक, ठीक है, हवाना सख्त हो जाना, वो क्या चीज है, उससे जरा क्या कर दें हम? अच्छा आरफ साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको शुरू में से ये बताया है कि जब भी कोई हवाने का या कोई थन हवाने का कोई इशू बनता है तो उसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो आप ये कोई नहीं कह सकते कि ये किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना वो मैं सबसे पहले प्रेफर ये करूंगा, जैसे आपने शुरू में ये बात की है कि अगर आपका थन हवाने का मसला थोड़ा सा आपको फील होना शुरू हो जाए आप किसी कंसल्ट करें किसी अच्छे डॉक्टर से। अगर आपको कोई अच्छा डॉक्टर आपकी बात नहीं सुन रहा, ठीक है ना, आपके नज़दीक जानवरों की हर ज़िले में एक लेबॉर्ट्री मौजूद है, ठीक है ना, आप थोड़ा सा दूध निकाल के वहाँ पे लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के लिए ले जाएं, वो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल उसकी कल्चर करेंगे, उसको कल्चर करके आपको वो या उसके मुताबिक जो एंटीबायोटिक लगनी है वो एग्जैक्ट आपको बताएंगे कि ये आपने ये एंटीबायोटिक्स आप लगाएं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर साहब एक सवाल है थान के बारे में कि मौसम के हिसाब से जो सर्दियों का मौसम आता है तो थान में ये प्रॉब्लम ज्यादा आ जाता है, क्या ये मौसम का कोई फॉल्ट पड़ता है या खुराक का फॉल्ट पड़ता है? ठीक जी मैं है ना, सर्दियों में कट ये रही है वो आपकी बात, यहाँ आपकी बात कट रही जावा है। देखो, हेलो जी जी आरिफ आवाज आ साहब रही है, आपकी आवाज कट रही है जी, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ सर्दी के मौसम में जब सर्दियां आती हैं जी तो जी उस वक्त ये ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है थान के मसले में, सर्दी में क्या खुराक का प्रॉब्लम आता है सर्दी में या फिर मौसम का कोई प्रॉब्लम आता है? क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थान का आ जाता है, जी क्या थान बिल्कुल जावा अंदर जो बांधते हैं या हुशक जावा सर्दियों में अंदर से हुशक हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आता है, इसके
देखो सर्दियों में धान का प्रॉब्लम जो है ना ये ज्यादा, अभी जब सर्दियां पाकिस्तान में आई हैं तो खुराक का भी इसमें इशू है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये बात, एक नॉर्मल जो जानवर होता है, जो एक सेहतमंद जानवर होता है, उसमें अगर आप उसको मिनरल वगैरह, आप उसको अच्छी खुराक दे रहे हैं, तो डेफिनेटली जो भी टॉक्सिन फ्री जो उसकी डाइट या जो भी आप राशन वगैरह उसको जानवर को दे रहे हैं, आप उसका खुराक जो उसको दे रहे हैं आप जानवर को, अगर उसमें टॉक्सिन फ्री या अच्छी खुराक है, अच्छी जो है ना साइलेज या जो भी आप उसको खुराक दे रहे हैं, वो अगर आप दे रहे हैं तो वो उसमें ये 100% श्योरिटी ही है कि जो है ना वो उसमें जानवर में इश्यूज जो है ना वो कम होंगे, चाहे वो थन के रिलेटेड हो, जो भी इश्यूज हों। लेकिन जो सर्दियों में आप बात कर रहे हैं कि जो है ना वो कि आप आपके जानवरों में या ओवरऑल फार्मर्स में ये बड़ा एक तासुर है कि जो है ना सर्दियों में वो एक तो अपने बाड़ों की या अपने डेरों की या अपने जो जहाँ पे जानवर बांधे होते हैं वहाँ की प्रॉपर सफाई ही नहीं उसकी करते, वहाँ पे यूरिन भी इकट्ठा हुआ होता है, यहाँ पे गोबर भी इकट्ठा हुआ होता है, और उसके अलावा जो है ना वो थान को साफ भी कोई नहीं करते और ऐसे ही दूध उसका निकाल लेते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो ज्यादातर प्रॉब्लम जो है सर्दियों में ये एग्जेजरेट कर देता है, ना वो अपने हाथ जो है ना वो प्रॉपर तरीके से जो है ना वो इस तरह धोते हैं ना वो, और इसके अलावा जो सबसे मेन इशू ये है कि वो जानवरों को उनके पास स्पेस या इस तरह डेरे उन्होंने स्पेस के हिसाब से तो जानवरों को बांधा नहीं होता, वो इकट्ठे ही सारे जानवरों को बांध देते हैं, तो जो है ना वो सारे जानवर एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो मतलब ये कि उनकी स्पेस रिक्वायरमेंट हो ही नहीं, कोई नहीं होती, जो यूरिन वगैरह उधर गिरता है उसकी वजह से अमोनिया वगैरह गैस वगैरह उसके अलावा अडल्ट्रेशन या सारी जो गंद मंद वो थनों वानों पर लगता है, तो वो ये ज्यादा खराब होने का बायस बनता है। लास्ट विराट साहब, मैं एक और सवाल करूंगा। थोड़ी सी जो हमारे अभी भाई अपने आप को चेंज नहीं कर रहे डेयरी फार्मिंग में, वो भी जी पुराना सिस्टम लेके आ रहे हैं, अभी जदीद और रवायती तरीकाकार में क्या फर्क है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें चेंज बताएं कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं। जो रवायती तरीका है वो भी, जो अभी जदीद तरीका आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा के गा करें, ताकि जो दोस्त अभी नहीं चेंज हो रहे उन तक ये आवाज जाए कि आप क्या फायदा ले सकते हैं जदीद तरीके से। बिल्कुल, ऐसे देखें जदीद और रवायती तरीकाकार में ये है कि अगर आप खुद ही देखें, हम लोग एक विजिट करते हैं जब भी कोई कहीं पे जाके डेरे पे, तो लोगों ने जो है ना वो, मैं आपको थोड़ी सी मॉडर्न डेरी फार्मिंग प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो आप अडॉप्ट करके ना तो आप बहुत अच्छा आपको उसका जो है ना रिस्पॉन्स आएगा। वो मैं किसी भी डेरे पे जाता हूँ, वैसे जो है ना वो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के तवसत से आगे भी हमारी जो है ना वो एपिसोड्स वगैरह चलेंगी, तो आपको बताएंगे डेरों पे भी जाके कि क्या क्या इश्यूज हैं और इनको कैसे कैसे हल किया जा सकता है। तो अब जो जदीद जो तरीकाकार है उसको अडॉप्ट करना तो वक्त का तकाजा है आरिफ साहब, अगर हम उसको तकाजा को नहीं अडॉप्ट करेंगे तो हम लोग जो हमारे आबाओ अजदाद करते आ रहे थे कि वही ज्यादा जानवरों को रख लेंगे और इसके अलावा उनसे थोड़ा सा दूध हासिल होगा, अब वक्त के साथ साथ हम लोगों को अपने आप को चेंज करना पड़ना है, अच्छे जानवरों की सिलेक्शन करना, अच्छी ब्रीड जो है ना उसको डेवलप करके ज्यादा थोड़े जानवर रख के ज्यादा दूध लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसको उसमें ये है कि सबसे पहले जो मॉडर्न डेयरी फार्म प्रैक्टिस जो चल रही है ना आजकल की, वो ये है कि आप कोई भी आपके पास जो डेरा या इस तरह है आप उसको ऐसा है थोड़ा सा मैकेनाइज करें कि जो है ना वो आपके डेरे का जो रुख है वहां से हवा जो है ना वो हवा क्रॉस यू जो है ना क्रॉस वेंटिलेशन उसकी अच्छी हो, उसके अलावा आपने जानवरों को खुला रखें, ठीक है ना, आपने जानवरों को जो है ना वो पानी की अवेलेबिलिटी 24/7 जो है ना वो करें, ठीक है ना, उसके अलावा आप अपने जानवरों को फीड की जो है ना 24/7 उनके आगे जो है ना फीड पड़ी हुई हो या जो भी आपका जो चारा है, आप ये ना देखें कि उनको दो टाइम आप पानी पिला लें। असल में मैंने जो क्वेश्चन किया कि रवायती तरीका और जदीद तरीके में हम अपनी कास्ट कैसे बचा, पैसा जो है वो कैसे सेव कर सकते हैं, कि रवायती तरीके में जो पहले आ रहा है वो खर्चा उस तरह जा रहा है, ठीक है। अभी जो नया तरीका आ रहा है कि हम थोड़ा सा खर्चा कम करें और दूध ज्यादा आए और खर्चा कम करें, ठीक है ना। ये कोई इसके बाद हम थोड़ा सा अपने आपको पहले की निस्बत हम आप पैसे थोड़े से बचा सकें, फायदा उठा लें, तो इसमें किस तरह मतलब खुराक में या अच्छे जानवर, एक तो आपने बताया अच्छे जानवर लें, ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, तो जी वही आरिफ साहब मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें
अगर मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका जानवर जो है ना, उसके पास आप उसको टाई ना करके रखें, बांध के ना रखें, आप उसको फ्रीली मूव करें, जिस जब उसका दिल करेगा वो खाना या जो जानवर चारा अपना खाए, जब उसका दिल करेगा वो पानी पिए, ठीक है ना। इससे आपकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी जो है ना वो उससे बढ़ जाएगी। और उसके अलावा जो है वो आप अपने जो है ना वो जानवर को जो है ना प्रोडक्शन भी वो बढ़ जाएगी, आप कहते हैं साथ लेबर का भी, जब आपके जानवर खुले होंगे तो आपको लेबर का भी एक जी अंदर बना काम बिल्कुल रखना पड़ेगा, जी आपके पास बिल्कुल। 10-11 जानवर हैं, उसके क्योंकि अलावा आधा काम जानवर खुद कर लेगा, पानी में जी गोली में बिल्कुल, खुलेगा जाके। अच्छा इसके अलावा जो है वो मैं ये बात जहाँ पे सबसे काबिले जिक्र ये बात ये है कि आप ऐसा ट्राई करें यहाँ पे जो है ना वो, ये एक बड़ा एक मेजर इशू आ गया हमारा आजकल, चूंकि फॉडर शॉर्टेज पीरियड भी चल रहा है नवंबर दिसंबर या सितंबर अक्टूबर में, यहाँ पे आपको पता है हरा या ग्रास ग्रीन जो है ना वो कम ही होता है। आप ऐसा मैनेज करें, चाहे आपके पास जब 5 जानवर भी दूध देने वाले हैं, एक तो आपके जानवर जो है ना वो साला साल जो है ना वो सोते रहें, आप उनके लिए इस तरह मैनेज करके रखें, या चाहे डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर आप उनके लिए खुराक के लिए आपके पास 24/7 इस तरह की जो है ना वो अवेलेबिलिटी मौजूद होनी चाहिए कि साइलेज वगैरह या हे या कोई भी इस तरह की ड्राई फार्म जो फ्रेश में, कि आप जो है ना जल्दी से जल्दी जो है ना वो अपने जानवरों को भूखा ना रखें, ठीक है ना, और पानी उनको सही तरीका कार से पिलाएं, या मॉडर्न जो डेयरी फार्म प्रैक्टिस इन्हीं चीज़ों का ही नाम है ना, कि आप उनको साइलेज टाइमली दें, या कोई भी आप जो है ना उनको ग्रीन फॉडर जो है ना वो दे रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाएं जो है ना पूरा साल। अगर आप ये इंश्योर करवा लेते हैं तो आप मॉडर्न डेयरी फार्म प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके अपने फार्म को प्रॉफिटेबल जो है ना वो पोजिशन में ला सकते हैं। कर साहब, मैंने अभी तक जो आपने, मैंने आप पहले भी बताया कि मैंने जो थान का प्रॉब्लम डेयरी में बहुत ज्यादा लॉस किया है, और इसमें काफी मैंने लॉस किया है, और आप ये भी बताया कि मेरे जो 25 क्लास जो जानवर है उनमें ये मसला है, वो तो 4 से 5% जो पांच जानवर वो ठीक हुए हैं, बाकी का थान जो है जब वो 24 वापस चला गया है तो उसके बाद वो थान वापस नहीं आया, वो जहाँ खत्म हो गया या पानी आया छिप, लेकिन थान मुकम्मल बैक नहीं आया। तो देखिए 6-7 साल हो गए हैं, डॉक्टर साहब हमारे इलाके के हैं उधर, तो ये मसला जो मैंने मैंने जो फार्म में अभी नहीं आ रहा 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ अपने जानवर को तेल इस्तेमाल कराता हूँ, तेल और तकरीबन वीकली 2 दिन लाजमी, अब 3 दिन होता है लेकिन 2 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन लाजमी 1 पाव तेल हम इस्तेमाल करा रहे हैं, जिससे जानवर अंदर से खुश्क नहीं होता, जब बिल्कुल उस सही अंदर से बात, खुश्क ना हो तो जब उसका अंदर नरम रहेगा तो वो भी ये भी है कि उससे भी थान खराब नहीं होता, ताकि जानवर का जब अंदर जैसे थिंदा रहता है जैसे आप कहते हैं, जब बिल्कुल थिंदा ऐसे रहेगा थान के नरम रहेगा तो वो भी आपको, जानवर का थान अंदर से भी बॉडी अगर खुशक हो जाए तो फिर भी खराब होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, एक चलो बात गंदगी भी होती है ठीक है वो भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अंदर से जानवर जब आप सर्दियों में ज्यादातर जो मेरे नॉलेज में जितनी बात मेरा तजर्बा है, मैंने जिस काफी दोस्तों से बहस करता हूँ इस बारे में, तो वो यही है कि जब जानवर अंदर से खुशक हो जाता है तो वो भी थान की देखें आरिफ साहब, बीमारी मैंने आपको पहले बताया है कि एक हेल्दी जानवर चाहे भैंस हो, देखें मैं शुरू में आपसे ना कुछ ग्रुप में जो सवालात चल रहे हैं लोगों के, मैंने शुरू में थोड़ी सी डिस्कशन ये भी की है कि जो गाय का थान है और उस भैंस के थान का फर्क मैं जो है ना वो थोड़ा सा बता रहा था आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो भैंसें हैं, भैंसों का फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप जो है ना बड़ा अच्छे तरीके से उसको लेके चल रहे हैं। भैंसों का और गाय का मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना जिक्र ये थनों का करना चाहूँगा कि जो काओ का स्फिंक्टर जो होते हैं ना वो, मतलब ये जो वाल्व या जो थन का जो आगे से मुंह होता है वो नरम होते हैं भैंसों के निस्बत, और भैंसों के जो जो स्फिंक्टर या वाल्व जो होते हैं वो थोड़े से सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है ना। अब काउज में जो है ना वो, या गाय में मस्टाइटिस या जो थाना वाने का इशू है वो ज़्यादा होने का भी खतरा होता है, और ज़्यादा जल्दी रिकवर होने का भी खतरा होता है। और इसके अलावा जो है भैंसों में एक तो मस्टाइटिस का इशू जो है वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू गाय, या एज़ कम्पेयर टू जो है ना काउज या गाय की निस्बत जो है ना, और उसके अलावा अगर हो जाए तो रिकवर करने की रेशो भी कम होती है गाय की निस्बत,
ठीक है ना, ये मेन जरा प्रॉब्लम है कि उसका जो स्फिंक्टर होता है वो हार्ड होता है, वॉल उसका हार्ड हो जाता है, वहां से बैक्टीरिया अगर या कोई जरासीम अंदर चला गया है तो उसका इन्फेक्शन को कंट्रोल करना टफ होता है, मुश्किल होता है गाय की निस्बत। ठीक है, डॉक्टर साहब, और लास्ट में एक सवाल। अच्छा, जी, क्योंकि टाइम प्रोग्राम काफी होगा, 40 मिनट तकरीबन। हाँ जी, और लास्ट में आपने एक सवाल जिक्र मैं किया है आपसे कि करूंगा जानवर को आप कि तेल देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वो ये है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो फैट्स वगैरह जो जानवर को दी जाती हैं वो बिल्कुल बड़े अच्छे विटामिन डी, और इसके अलावा जो फैट्स जो हेल्दी जो सेहतमंद जो जानवर होते हैं उनको वैसे भी जो है ना, अगर आप रेगुलर जो है ना बेसिस पे ऑयल वगैरह या तेल वगैरह जो आप दे रहे हैं वो उनको देते रहेंगे तो उनसे बहुत जो है ना वो अच्छा जो है ना वो रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि जानवर की अगर सेहत अच्छी रहेगी तो उसमें जो है ना मुंह सड़ी, साड़ू, नाड़, गिल्टी, ये इस तरह के कोई भी इश्यूज हैं वो बहुत कम आएंगे। अगर आपका जानवर हेल्थ कंप्रोमाइज हो गया, अगर आप उसका सेहत उसकी नहीं ठीक, ठीक है ना, आप उसको लुक आफ्टर या उसकी एहतियात नहीं कर रहे तो ये सारी चीजें जो है ना वो उनकी जो है ना वो साथ ही आएंगी, उसके सारे जो है ना वो उसका थन खराब भी हो जाएगा, उसमें फिटकियां वगैरह या जो भी खराब होना होगा उसमें नाड़ के भी चांसेस होंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अपने जानवरों को बचाएं इन चीजों से, बजाय इसके कि आप उसके इलाज मुआवजे करवाएं, क्योंकि इलाज मुआवजे जो है ना वो थन हवानों के जो है ना वो पूरी दुनिया में ही जो है ना वो एक्सपर्ट्स इस वजह से अभी तक परेशान है। परेशान है अभी तक, थान का इलाज नहीं है पूरी हाँ जी, हाँ दुनिया जी, में। जी, तो अभी मैं इधर डॉक्टर साहब आपसे ज़्यादा देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम आपने, बहुत शुक्रिया आपने। तो लास्ट में आप डेयरी के फार्म, डेयरी के मुतलका कुछ जिससे हम फ़ायदा उठा सके, एक सवाल अपने पास से कुछ जवाब दें कोई, कि डेयरी फार्म हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आप भी हमारा जो सिस्टम चल रहा है, जो रवायती आप हमारा जो किसानों का जो सिस्टम चल रहा है, हमारे 70% लोग जो है ना वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ना वो लाइफ स्टॉक से या एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, डायरेक्टली वास्ता या बिला वास्ता किसी ना किसी तरीके से वो वाबस्ता है। और हमने इसको इसी पैटर्न पे ले के चलना है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल कलां को हमारा जो मुल्क है वो इस बेस पे जो है ना वो तरक्की करे, और उस बेस पे तरक्की सिर्फ इस सूरत में ही हमारा मुल्क कर सकता है अगर हम जदीद तरीकाकार को अडॉप्ट करें, डेयरी फार्मिंग की प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं कि आप अपने जानवरों को अच्छे तरीके से उनको मैनेज करें, अच्छी ब्रीड रखें, और उसके अलावा जो है ना वो वेल टाइम देखें उनका ग्रोथ जो है ना इश्यूज वो उनके करें, ठीक है ना। अगर आप ये सारी चीज़ें उनकी जो है ना वो प्रॉपर अगर मॉनिटर करेंगे तो आपके जानवर बहुत जल्दी जवान होंगे, बहुत जल्दी हीट में आएंगे, कंसीव होंगे, अच्छा दूध देंगे, और मार्केट रेट्स में उनकी अच्छी जो है ना वैल्यू होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सब दोस्तों जिन्हें प्रोग्राम हमारा मेमरान ने देखा, एडमिरल सारे जितने भी हैं, तो सबका बहुत शुक्रिया। बाकी बात रहती है कमेंट्स का जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर मैं वो डॉक्टर साहब से पूछूंगा बीच में, तो वो जो पहली बात है वो उधर रह जाएगी, नहीं शुरू हो जाएगी, तो कमेंट्स का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। काफी सारे दोस्तों ने पूछे भी हैं, लेकिन क्योंकि वो बात कर रहे थे तो बीच में अच्छा नहीं लगता। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको इंशाल्लाह इन सारी बातों का जवाब देंगे, और आरिफ इंशाल्लाह साहब, अगली ये बार से पूछेंगे जो तो हम अहबाब है ना भाई, तो ये इनके काइंडली जो है ना वो क्वेश्चंस मैं भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो है ना वो नोट कर लूँ, तो आप भी जो है ना वो इनके क्वेश्चंस वगैरह नोट कर लें। ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, और उनमें से कुछ अलगानी लाइफ स्टॉक, और ये जाहिद साहब, नदीम साहब, जाहिद रफीक साहब, जिशान चद्दर साहब, ये बड़े प्यारे हमारे भाई हैं। तो मैं ये नहीं चाह जी। रहा कि जो है ना वो इनके जो है ना वो इनको इग्नोर कर दिया जाए, इनके व्यूज या इनके जो है ना वो क्वेश्चन आंसर्स को ना किया जाए। लेकिन उनको ये है कि हम इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम जी इनको जी बातों मैं का इनको जवाब देंगे। डिटेल से जो है ना वो हम कोशिश जवाब दे करेंगे के कि खुशी होगी मुझे। एवरी मंथ हम डॉक्टर साहब या किसी ना किसी ऐसे जो जी जी तजुर्बाकार लोग जी हैं जी डेयरी बिल्कुल फार्मिंग में, जो डॉक्टर एक्सपर्ट्स साहब जो है है ना ना, वो, एवरी जी, मंथ हम एडमिन मिलके जो भी नदीम भाई सारे इंशाल्लाह प्रोग्राम किया करेंगे। तो उसमें हम जो पिछले आपके भी जो मैसेज वगैरह आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो इनका नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। तो बाकी पाकिस्तान अभी टाइम काफ़ी हो गया है, तो हम अब इजाज़त देना चाहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी भी, कोई सब बात एडमिन नहीं भी जी, सारे आरिफ का साहब बहुत थैंक यू शुक्रिया, वेरी मच, जो है ना मुझे इंशाल्लाह खुशी फिर भी हुई। मुलाकात होगी। तो जी, अभी देखो फार्म चलाना को, डेयरी फार्म का काम मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। मैं अमेरिका में बैठ कर चला रहा हूँ, ये नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब भी इस चीज की गारंटी देंगे, मेरा कोई बंदा नहीं है उधर।
और मेरे सारे वर्कर ही चला रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिम्मेदार आपको शौक और ध्यान है ना, ये दो चीजें होनी चाहिए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह जा भी रहा हूँ, डॉक्टर साहब को पता है। और मेरे डेयरी फार्म में जो कोई इन होता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे महल में आ गया है, डेयरी फार्म नहीं है, ये तो आप बिल्कुल जानवर से आपने प्यार बहुत करें वो आपसे माशाल्लाह प्यार उसके वो जानवर से प्यार करें उसके बदले में वो आपको इंशाल्लाह जरूर बैग देते हैं, ठीक है, आप बेशक कोशिश करके एक दफा देखें। अल्लाह हाफिज़।